हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं टिक टैक टो का विनर लॉजिक, और हम लोग निकालेंगे कि कौन सा विनर है, प्लेयर ज़ीरो या प्लेयर वन। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने गेम कहाँ तक बिल्ड कर लिया था, और फिर उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और देखेंगे आगे कैसे गेम बिल्ड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ टिक टैक टो का बोर्ड था जिसमें हम लोग चल पाते थे प्लेयर्स ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर वन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल पाते थे, बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर दोबारा चलते हैं तो ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बताएगा। दैट मीन्स कोई भी बंदा एक बार चल जाएगा एक बटन पे या एक पोजीशन पे, दोबारा उस पोजीशन पे नहीं चल सकता। तो ये हमारे गेम की अभी तक की बेस्ट चीज़ थी, हमारा इतना लॉजिक बिल्ड हो गया था। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़ीरो इधर से जीत चुका है, इस वाली ये डायगनल से जीत चुका है, सेकेंडरी डायगनल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस डायगनल से जीत चुका है। बट हमारे गेम ने डिटेक्ट नहीं कर पाया है कि कौन सा बंदा जीत चुका है। दैट मीन्स अभी हम लोग विनर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और हम लोग इस वीडियो में यही करने वाले हैं, विनर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम लोग, अगर कोई बंदा जीत जाता है इधर से भी या इधर से, तो तुरंत जैसे जीतता है यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए कि दिस प्लेयर हैज़ वॉन द गेम एंड डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू और प्ले मोर गेम्स, इफ़ यस देन प्रेस वन या प्रेस यस बटन, अगर नो तो हम लोग क्या करेंगे, ऐप को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विनर पोजीशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले विनिंग पोजीशन कॉम्बिनेशंस निकालना पड़ेगा कि भैया वो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जहाँ पे बंदा जीत सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इधर से हुआ तो जीत जाएगा, दैट मीन्स 0 1 2, एक ये कॉम्बिनेशन ये बन गया 0 1 2। एक अगर इधर से हुआ तो जीत जाएगा। तो अगर हम यहाँ पोजिशनिंग करते हैं बटन की, तो ये 0 बटन हो गई, ये 1 बटन हो गई, ये 2 बटन हो गई, 3 4 5 6 7 8। तो 0 1 2 वाली बटन अगर इक्वल हुई, इस पर जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हुई, दैट मीन्स बंदा जीत चुका है। या फिर हम लोग 3 4 5 से बंदा जीत जाएगा, 6 7 8 से बंदा जीत जाएगा। तो तीन ये लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन से बंदा जीत रहा है, और तीन वर्टिकल लाइन से बंदा जीत रहा है, और 2 डायगनल। दैट मीन्स टोटल हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कोई प्लेयर विन कर सकता है, जीत सकता है। तो हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बोर्ड है और मैं उस पर समझाऊँगा आपको। तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ ये टिक टैक टो का बोर्ड है, टिक टैक टो का बोर्ड है, और यहाँ पे ये बटन्स हैं। ये पहले 0th बटन मैंने पोजिशनिंग कर दी, 0 बटन, 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन, 5 बटन, 6 बटन, 7 बटन, 8, सारे बटन की पोजिशनिंग है। तो यहाँ पे अगर बंदा ये 0 1 2 जीत जाएगा, 3 4 5 जीत जाएगा, 6 7 8 जीत जाएगा, 0 3 6 पे अगर सेम वैल्यूज हुई तो जीत जाएगा, 1 4 7 से जीत जाएगा, 2 5 8 से जीत जाएगा, एंड सेकेंड लास्ट 0 4 8 से जीत जाएगा, 2 4 6 से जीत जाएगा। दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन जीत जाएगा। और हमारे पास जो चांसेस हैं वो यही चांसेस हैं, यही बटन्स हैं, 0 1 2 3 4, मतलब 9 बटन है 0 से 8 तक। तो ये जो पोजीशंस है उसको हम एज अ इन्हीं पोजीशन से समझ रहे हैं। दैट मीन्स ये 0, ये पोजीशन, ये 1, ये 1, ये 2। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 1 आएगा बाय चांस, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इस सेकेंड पोजिशन पे 1 आएगा तो इस सेकेंड पोजिशन भी 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन मैं एज अ सेम मान रहा हूँ। अगर 4 पे 1 आया तो इस 4 पे भी हमारा, इस 4 पोजीशन पे भी यहाँ पे 2 की जगह 1 आ चुका होगा। दैट मीन्स हम इस जो हम बोर्ड देख रहे थे वहाँ पे स्क्रीन पे, वो ये बोर्ड है, बट जो ये नंबरिंग हम यूज़ कर रहे थे वो ये वाली नंबरिंग है। हम यहीं से ट्रैक कर पा रहे थे कि बंदा चला कि नहीं। अब देखिए सेकेंड पोजिशन पर चल चुका है 1, दैट मीन्स यहाँ पे भी सेकेंड पोजिशन पर 1 चल चुका। अब हम निकालते हैं विनिंग पोजिशन की एक एरे। तो हमारे पास एक और एरे अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे इस एरे में हम लोगों ने स्टोर कर दिया सारे विनिंग पोजीशन। आप देखिए 0 1 2, दैट मीन्स अगर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बंदा जीत जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 0 1, 0 1 2 पे सब पे 1 है। दैट मीन्स देखिए ये इधर से बंदा क्या हो रहा है, जीत रहा है। दैट मीन्स 0 1 2 इन पोजिशंस पे अगर वैल्यूज जीरोज आ गई या 1 आ गया तो बंदा जीत जाएगा, 3 4 5 पे 0 या 1 आ गया तो बंदा जीत जाएगा, 6 7 8 पे 0 आ गया, जैसे यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो बंदा जीत गया। इसी तरह मैंने सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे निकाल लिए हैं,
और ये बेसिकली 2D एरे है, दैट मीन्स एक बड़ी सी एरे है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उसके अंदर छोटी छोटी कई सारी एरे हैं। इन एरे की भी पोजीशन है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, ये 7 पे है। ठीक है ना, तो हम लोग, मैं करूँगा क्या, हम एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि एक ही बार मुझे चेक करना पड़े कंडीशन, और सब बार हर बार कंडीशन चेक हो जाए। तो मैं करूँगा क्या, पहली देखिए ये 2D एरे है, तो मैं बारी बारी से एक एक एरे निकालूंगा। लेट सपोज एक के लिए काम करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये वाली एरे आई है जिसपे तीन वैल्यूज रखी हैं, 0 पोजीशन पे 0 रखा है, 1 पोजीशन पे 1 रखा है, और 2 पोजीशन पे 2 रखा है। तो यहाँ पे इस एरे के लिए पोजीशन और वैल्यू सेम है, बट यहाँ अगर जब ये एरे आएगी तो इसके लिए 3 0 पे आएगा, 1 पे 4 आएगा, और 2 पे 5 आएगा। तो हमने ये पोजीशन अभी निकाली है, और मैं क्या करूँगा, जो एरे आई है उसको एक वेरिएबल में उठा के रख दूंगा। मैं कहूँगा टेम्प, टेम्प में सिंगल डायमेंशनल एरे होगी, क्योंकि आप खुद सोचो जब 2D एरे से एक एरे आएगी तो सिंगल डायमेंशनल एरे आएगी। इसके एलिमेंट, टेम्प के एलिमेंट्स को आपको अगर एक्सेस करना है तो आप ऐसे एक्सेस करोगे, जैसे अगर 0 निकालना है तो टेम्प ऑफ 0, 1 निकालना है टेम्प ऑफ 1, और अगर 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो टेम्प ऑफ 2, तो ये 2 निकलेगा। जब जब दूसरे इटरेशन में 3 4 5 आएगा तो आप 3 ऐसे निकालोगे, टेम्प ऑफ 0, टेम्प ऑफ 1, टेम्प ऑफ 2, तो ये सारी वैल्यू निकलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा टेम्प ऑफ 0, तो यहां पे 0 आ जाएगा, और इस 0 को एज अ इंडेक्स मैं यहां पे रख दूंगा, जिससे कि वैल्यू मुझे ये निकल जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को एरे में एरे का सिंबल लगाऊंगा, और यहां पे लिख दूंगा गेम चांसेस, चांसेस। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि एक बहुत बढ़िया चीज होगी, देखिए ये जो टेम्प ऑफ 0 है ये क्या करेगा, टेम्प के जीरोथ पोजीशन की वैल्यू, दैट मीन्स जीरोथ पोजीशन की वैल्यू ये 0 दे देगा, और ये 0 एज अ इंडेक्स यूज हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी जगह पे, इस टेम्प की जगह पे, इस पूरे की जगह पे हमारी आ जाएगी वैल्यू 0। और जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो गेम चांसेस ऑफ 0 मतलब 2 वैल्यू दे देगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या दे देगा, 2 वैल्यू दे देगा। और ये टू को मैं चेक करूंगा क्या, ये टू फर्स्ट पोजीशन के 2 से बराबर है क्या, तो मैं फिर से यहां पे लिख दूंगा गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ 1। इसका मतलब अगर ऐसा है, ऐसा हो गया पॉसिबल, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू निकाली है इससे, और इसकी वैल्यू निकाली इससे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं क्या चेक करूंगा, इसकी वैल्यू इससे चेक कर लूंगा। तो मुझे इसके साथ साथ एक और कंडीशन कंबाइन करना पड़ेगा, यहाँ से देखेंगे एक कंडीशन और हम कंबाइन कर लेंगे, और हम इसी में लगा देंगे एंड, बीच में हम क्या लगा देंगे एंड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे एंड लगा देंगे, और एंड के साथ साथ यहाँ पे हम चेक कर लेंगे गेम चांसेस, तो कैपिटल्स कर देते हैं गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ 1। टेम्प ऑफ 1 का मतलब मैंने चेक किया है इस चीज का, ये चीज टेम्प ऑफ 1, ये डबल इक्वल टू गेम चांसेस, गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ 2, दैट्स इट, काम हो गया फ्रेंड्स। यहां पे देखिए मैंने चेक क्या किया है, पहले मैंने एक कॉम्बिनेशन को निकाला है 0 1 2 को, मैंने चेक किया है कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बराबर तो नहीं है, अगर बराबर है दैट मीन्स बंदा जो एक्टिव प्लेयर है वो हमारा क्या हो चुका है, जीत चुका है, या एक्टिव प्लेयर नहीं कह सकते, वो बंदा जीत चुका है, वो बंदा जीत चुका है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमारी गेम चांसेस, गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ 1 वगैरह पे रखी, वो बंदा जीत चुका है, ये वाला बंदा जीत चुका है। एक चीज और चेक करनी होगी फ्रेंड्स हमको, एंड साथ ही साथ में एक चीज और चेक करनी होगी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ना 1 हो तब भी बराबर हो, 0 हो तब भी बराबर हो, 2 हो तब भी बराबर हो। तो मैं साथ ही साथ में एक कंडीशन और लगा दूंगा इसमें एंड, हम चेक कर लेंगे कि कहीं गेम चांसेस, गेम चांसेस, गेम
चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ वन या टू भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जीरो भी रख सकते हो, ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू टू। दैट मीन्स इसकी वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम टू को इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो बराबर चेक करेंगे तो जीरो और वन के लिए चेक करेंगे, दैट्स इट। मैं एक बार और इस लॉजिक को समझा देता हूँ। मैंने किया क्या है, सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन निकाला और मैंने चेक किया है कि सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन, सबसे पहला ये वाला वैल्यू निकाला मैंने जीरो, मतलब मैंने जीरो निकाला और मैंने जीरो के अंदर जाने के लिए मैंने इस टेम्प ऑफ जीरो, मतलब इस जीरो को मैंने रख दिया गेम चांसेस में, तो मुझे वन मिल जाएगा या इसके पास जो भी वैल्यू की मिल जाएगी। उसके बाद इसको निकालने के लिए जहाँ जीरो था वहाँ वन रख दिया तो यहाँ ये मिल जाएगा। फिर सेम है, सब कुछ एग्जैक्टली लिखा, जहाँ वन था वहाँ टू रख दिया तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स आपको ये पूरा लिखना है, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको एग्जैक्टली ऐसा लिखना है। नेक्स्ट ये लिखने के लिए आप जीरो यहाँ लिखोगे, दैट मीन्स जीरो पोजिशन वाली वैल्यू आएगी, वन यहाँ लिख दोगे दैट मीन्स वन वाली वैल्यू आएगी, और अगर टू आपने लिख दिया तो यहाँ, तो मैंने बेसिकली ये चेक किया कहीं ये इसके बराबर तो नहीं है, और अगर ये इसके बराबर है दैट मीन्स तीनों बराबर हैं, और तीनों बराबर हैं तो अगर ये दो नहीं है दैट मीन्स कोई ना कोई ऑलरेडी चल चुका है, तो या जीरो होगा या वन होगा, और अगर ऐसा है तो जो एक्टिव प्लेयर है दैट मीन्स जीरो या वन या सेकेंड वाली पोजिशन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जीत चुकी है। इसी तरह अगर हम दूसरी चीज़ के लिए चेक करेंगे तो ध्यान से देखिए मैं क्या निकालूंगा। सबसे पहले ये थ्री निकालूंगा, ये थ्री कहाँ से आएगा, जब ये एरे आएगी वापस तो जीरोथ पे थ्री रखा होगा तो टेम्प ऑफ जीरो मतलब थ्री मिल जाएगी, और गेम चांसेस ऑफ थ्री, यही हमारे गेम चांसेस हैं, गेम चांसेस ऑफ थ्री दिस वैल्यू, मतलब दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। लेट अस सपोज जीरो आ गई, जहाँ थ्री है अगर हम इस थ्री की जगह यहाँ पे फोर कर देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी, और ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये दोनों मैच करेंगे, दैट मीन्स ये भी जीरो ये भी जीरो, ये दोनों मैच कर गए ये कंडीशन ट्रू हो गए। बट टोटल कब ट्रू होगा, जब ये ट्रू होगा, तो ये ट्रू कब होगा, जब वन मतलब ये वाली वैल्यू और साथ ही साथ में सॉरी जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये भी जीरो होगा, दैट मीन्स तीनों जीरो होंगे तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। बस ऑल ओवर टोटल कब होगा, जब ये वैल्यू दो नहीं होगी, दैट मीन्स जीरो अगर है, वन नहीं है, टू नहीं है, टू नहीं है ऑलरेडी, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो आपका टोटल ट्रू और बंदा इधर से जीत चुका है। तो हमें ये काम करना है, ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विनर्स को चेक करने के लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली एरे बनाते हैं और हम एक एक एरे निकालते हैं और उसके बाद हम लोग विनर चेक करते हैं और देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये लॉजिक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग को कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उसको अच्छे से समझिए और एक ही लूप लगाना इसमें बार बार। बहुत लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि भैया आप टिक टैक टो बनाने के लिए आप हर एक कंडीशन हर एक बिनिंग कॉम्बिनेशन के लिए आप लूप आप अलग अलग इफ एल्स स्विच लगा के काम करो, ऐसा नहीं करना होता है। आप ऐसा करोगे तो फिर प्रोग्रामिंग का मतलब ही क्या रह जाएगा। आप हर चीज़ के लिए कोडिंग करोगे एक एक चीज़ के लिए, तो फिर लॉजिक लगाओ जिससे कि आप कोड को क्या कर सको, रिड्यूस कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा वो काम, वो जो लॉजिक है वो चल रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टॉप पे चलूँगा और यहाँ पे विनिंग पोजिशंस वाली एरे डिक्लेयर कर दूंगा, जो कि 2D एरे होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने विनिंग पोजिशन वाली एरे डिक्लेयर कर दी और WPS में रख दिया। अब जैसे ही बंदा चल चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हुआ ये हुआ, इन दोनों का मतलब है किसी ने ना किसी ने चला है, जीरो और वन ने चला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विनर्स को चेक करूँगा, तो फाइंड द विनर मैंने लिख दिया। एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, एक एरे मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा यहाँ पे। फॉर ईच इन द सेंस कि मैं बड़ी वाले एरे से एक एरे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बड़ा वाला एरे है उसके अंदर छोटे छोटे एरे रखे हुए हैं, तो यहाँ से फॉर ईच में आपको देना होता है कि बड़े वाले एरे में क्या रखा है। तो मैं कहूँगा बड़े वाले एरे में एक छोटा एरे रखा हुआ है और एक वेरिएबल लेना है आपको टेम्प, और फिर आपको बड़े वाले एरे का नाम दे देना है, सिंपल। अब इस टेम्प में होगा क्या, छोटा छोटा एक एरे आ जाएगा, तो मैं एग्जैक्टली वही कंडीशन लगा दूंगा। मैं यहाँ यूज़ करूँगा, ध्यान से देखिए, मैं यूज़ करूँगा गेम ऑफ गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ जीरो is equal to game chances of temp of one, ठीक है। उसके बाद अभी हमें और भी conditions combine करनी है, तो मैं इसको एक bracket में रख दूंगा और इसको भी एक bracket में रख दूंगा, उसके बाद and लगाऊंगा, और and के बाद मुझे फिर से 0-1 चेक कर लिया, अब 1-2 चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे game chances of temp
ऑफ वन, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल इक्वल टू गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ टू, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरे ज़्यादा लग गई है शायद, आई थिंक फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लगा के एक कंडीशन और चेक करेंगे कि गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ टू की वैल्यू नॉट इक्वल टू टू, टू की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो कोई बंदा जीत चुका है। तो विनर कौन है भाई, देखिए विनर इंटीजर, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम विनर, विनर एक और वेरिएबल लेते हैं इंट, विनर बाय डिफॉल्ट टू है, टू मतलब कोई विनर अभी तक नहीं है, तो अब मैं विनर की वैल्यू चेंज कर दूंगा और विनर की वैल्यू आ जाएगी गेम चांसेस, गेम चांसेस ऑफ टेम्प ऑफ जीरो निकाल लीजिए, विनर की वैल्यू मिलेगी। और फिर मैं क्या करूँगा, अगर बंदा जीत चुका है तो हमें मैसेज देना होगा कि भैया ये जीत चुका है, तो हम जे ऑप्शन पेन की हेल्प से क्या क्या दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि कौन जीता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, मैसेज दे देते हैं, मैसेज देते हैं, कैसे देंगे मैसेज, जे ऑप्शन पेन, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे मैं नल पास कर दूंगा, और यहाँ पे आपको पूरा मैसेज लिखना होगा कि कौन जीता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लेयर, फिर विनर, फिर मैं लिखूंगा हैज वॉन द गेम, और अगर बंदा जीत चुका है तो मैं यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दूंगा, जिससे कि ये लूप आगे ना चले, क्योंकि बंदा क्या ऑलरेडी हो चुका है, जीत चुका है कोई ना कोई, तो ये लूप अपने आप से ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ब्रेक हो जाएगा तो मैं एक मैसेज दूंगा यहाँ पे जे ऑप्शन पेन से, पहले इतना चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैसेज दे देंगे कि आपको दोबारा स्टार्ट करना है कि नहीं स्टार्ट करना है ये सारा मैसेज। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ अपनी फाइल पे, और यहाँ पे मैं किसी ना किसी को विन करके देखूंगा। तो मैं 010101, और अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो देखिए कुछ ना कुछ मैसेज आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 चला, ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लेयर 0 हैज वन द गेम, ओके। अब क्योंकि मैंने ओके करने पे कुछ नहीं किया था, अगर हम फिर से लूप चलाते हैं और यहाँ पे फिर से प्रोग्राम चलाते हैं और यहाँ पे देखते हैं वन को किसी दूसरे डायगनली नहीं, हम इधर से भी जिताएंगे वन को, तो मैं 0 यहाँ चलूँगा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, और 1 पे देखिए 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए प्लेयर 1 हैज वन द गेम, दैट मीन्स 1 इधर से जीत चुका है। इसका मतलब हमारा जीतने वाला तो काम हो रहा है, बट जब आप जीतने के बाद ओके कर रहे हो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैसेज दे दूंगा। जैसे ओके करोगे सबसे पहले मैसेज दिखा देंगे, उसके बाद ब्रेक लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ब्रेक लगाएंगे। तो मैं फिर से प्रोग्राम चलाता हूँ और फिर से हम लोग क्या करते हैं 010101, और फिर मैं इधर 0 लगूंगा और मैसेज आया प्लेयर 0 हैज वन द गेम, और ओके करता हूँ तो देखिए मैसेज आया डू यू वांट टू प्ले मोर, अगर यस करेंगे तो देखिएगा, इफ मैंने यस किया तो 0, नो करता तो 1 आता और कैंसिल करता तो 3 आता। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे देखिए मैं इफ लगा के काम कर लूंगा, इफ आई इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स ने यस कहा है, और यस कहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस इंस्टेंस को क्लोज करके नया इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, देखिए मैं दिस डॉट सेट विजिबल को फॉल्स कर दूंगा, और दैट मीन्स हमारा ये वाला फ्रेम, ये इस वाले फ्रेम की विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू माई गेम, और हमारा नया गेम का इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। एल्स इफ उसने आई वैल्यू 2 दिया है, इसका मतलब उसने नो पे क्लिक किया है, और हमको गेम को ऐसे ही ओपन करना है जैसे ओपन था, बीच में ही गेम को छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स आपको छोड़ देना है। एल्स अगर उसने कैंसिल भी कर दिया तब भी आपको कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, गेम को चलाते हैं और फिर से हम यहाँ पे देखिए मैं विन करके चेक करूँगा, तो मैं वहाँ पे गन क्लिक करता हूँ तो हमारा मैसेज आएगा प्लेयर 0 हैज वन द गेम, ओके कर दें, और मैं यस करता हूँ तो देखिएगा जैसे मैंने यस किया तो हमारा करंट इंस्टेंस बंद हो गया और नया इंस्टेंस चालू हो गया। ध्यान से देख लीजिए सब लोग,
देखिए प्लेयर जीरो हैज वन द गेम, ओके करूंगा, नो करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर फिर से मैं यहाँ करता हूँ, देखिए प्लेयर जीरो हैज वन द गेम, ये जीरो जीत चुका है तो बार बार जीरो दिखाएगा, ओके करेंगे, डू यू वॉन्ट टू प्ले मोर, अगर नो कर देंगे तो हमें प्रोग्राम सारा बंद कर देंगे, अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया है तो वन प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर उसने नो चूज़ किया, दैट मीन्स आई की वैल्यू टू आएगी और हमें पूरा प्रोग्राम ही बंद कर देना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिस्टम डॉट एग्जिट, दैट इज हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सिस्टम डॉट एग्जिट, और एग्जिट में कोई भी स्टेटस आप पास कर दिए इंटीजर टाइप का, तो अब हमारा जो गेम है वो मोस्टली विनर वाला लॉजिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम 0-1 गेम चलेंगे, कोई भी बंदा कहीं से भी जाए, अभी देखिए ड्रॉ वाला लॉजिक नहीं लगाया, तो यहाँ पे ड्रॉ मैंने कर दिया, तो ड्रॉ वाला लॉजिक अभी नहीं लगाया, अभी जीतने का लॉजिक लगाया, अभी कोई बंदा जीता नहीं है, दैट मीन्स हमारा गेम अभी ड्रॉ पे काम नहीं कर रहा है, ड्रॉ का लॉजिक तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जीत के दिखाते हैं, पहले जीतना जीतना अनिवार्य है, तो हम 0-1 चलाएंगे, प्लेयर जीरो हैज वॉन द गेम, और अगर ओके करेंगे, नो करेंगे, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, बंद नहीं हुआ, कुछ लॉजिक में गलत हो गया, अगर ओके करेंगे, यस करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम प्ले मोर आ रहा है, और अगर नो करते हैं, दैट मीन्स नो करने पे हमारा वन वाला लॉजिक चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लॉजिक गलत लिख दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जीरो के बाद इसको वन कर देता हूँ, और टू वाला एल्स था, अब हमारा एग्जिट वाला भी लॉजिक चलेगा, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी, ध्यान नहीं दिया था। अब अगर मैं प्लेयर को जिताता हूँ, तो जीरो, देखिए प्लेयर जीरो हैज वन द गेम, और ओके करता हूँ और नो करता हूँ, तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, स्टेटस कोड वगैरह जो भी आपने दिया था, देखिए जावा रिटर्न दिस, और आपका प्रोग्राम बंद हो। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स इस वीडियो में देखा कि कैसे आप बिनर का लॉजिक लगा सकते हो टिक टैक टो में, बहुत सिंपल लॉजिक था, आपको सिर्फ वो इफ कंडीशन समझनी है, ये वाली इफ कंडीशन, ये वाली इफ पूरी कंडीशन आपको समझनी है, कैसे मैंने लगाया था, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, आप एक बार वीडियो देखिए, दो बार वीडियो देखिए, बस यही कंडीशन पूरे टिक टैक टो में इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये लगा दिया तो आप 8-9 स्टेप्स या 8 स्टेप्स लिखने से बच जाओगे, अदरवाइज आपको करना क्या होगा, बार बार मैनुअली करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सारे विनिंग कंडीशंस, तो बहुत ही मुश्किल होगा, टफ होगा आपके लिए करना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी सीखिए लॉजिक बनाना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉजिक बिल्डिंग समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।